तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गार्डनिंग एट इज। तो आज मैं बात करूंगी अपने जेड प्लांट के बारे में। देखिए मेरे कितने सारे कलेक्शन मैंने किए हुए जेड प्लांट से। अभी मैंने कटिंग्स ही लगाई हैं और कुछ मैंने टॉपियारीज आपके साथ शेयर की थी। जैसे कि देख सकते हैं, ये मैंने आज टॉपियारी बनाई थी। अभी इसकी लीव्स ज्यादा अच्छी नहीं है, अभी इसकी ग्रोथ निकल कर आएगी। मैंने इसको फुल सनलाइट में रखा हुआ है तो इसकी ग्रोथ अभी हल्की हल्की ठीक होना शुरू हो गई है। तो बहुत अच्छी ग्रोथ इसकी नहीं है, तो आने वाले टाइम में बहुत अच्छा ग्रो कर जाएगा। देखिए कितने सारे कलेक्शन मैंने लगा रखे हैं। और एक टॉपियारी जो है, मैंने ये आपके साथ शेयर की थी, ये टॉपियारी बनाई थी मैंने। इसको मैं मंदिर का लुक देने वाली हूँ। तो आप देख सकते हैं, ये टॉपियारी आपके साथ शेयर की थी मैंने। और कुछ कटिंग्स मैंने आपके सामने शेयर की थी कि मैंने लगाई हैं। तो जेड प्लांट के बारे में हम बात करेंगे कि ऐसा प्लांट है जो कि बिल्कुल सनलाइट में चलता है और विदाउट केयर ये प्लांट हम इसको ग्रो कर सकते हैं। कोई इसकी केयर की ज्यादा जरूरत नहीं होती है। इसको लकी प्लांट भी कहते हैं और इसको बटन प्लांट कहते हैं, जेड प्लांट कहते हैं, और भी इसके काफी नाम है। जो कम इसको फर्टिलाइजर की जरूरत होती है, बहुत कम केयर में ये चलता है। और जो अगर हम बात करें इसकी सॉइल की, तो इसकी सॉइल के लिए हमें जो है 20% गार्डन सॉइल और 20% कंस्ट्रक्शन सैंड या रिवर सैंड आप डाल सकते हैं, और 20% जो है गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट आप डाल सकते हैं। उसके बाद इसमें थोड़ा 1 चम्मच फंजीसाइड पाउडर, और इसके अलावा जो है आप इसमें NPK और DAP के कुछ एक दाने इसमें डालिए। तो जो है इस तरह से आप सॉइल बनाएंगे तो आपकी जो है ये प्लांट जो है बहुत अच्छा ग्रो करेगा। और इसके बाद जो है जितनी इसकी हल्की सॉइल होगी उतना इसमें पानी कम रुकेगा, क्योंकि ये एक जो है सर्कुलेंट फैमिली का प्लांट होता है। देखिए ये इस तरह से इसकी लीव्स में जो है पानी भरा होता है। देखिए इस तरह से लीव्स में, तोड़ के दिखाती हूँ आपको, इस तरह से इसकी लीव्स में बिल्कुल पानी भरा होता है। ये बिल्कुल पानी टच हो रहा है मेरे हाथ पर। तो ये एक सर्कुलेंट फैमिली का प्लांट है, इसको बहुत ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है। और जितना पानी इसको लिमिटेड देंगे उतना अच्छा ये ग्रो करेगा। बिल्कुल कम पानी भी इसको नहीं देना है। अगर कम पानी देंगे तो इस तरह से इसकी लीव्स ऐसे सूखी सूखी लीव्स हो जाती हैं कम पानी की वजह से। तो हमेशा इसके पानी को चेक करके, वाटरिंग को, सॉइल को चेक करके आपने पानी देना है। सॉइल को टच करेंगे, अगर इसकी सॉइल सूखी है तभी आपने इसमें पानी देना है। देखिए अभी मैं पानी देने आई थी छत पर, तो मैंने देखा कि पूरे सभी प्लांट्स की सॉइल जो है गीली गीली दिखाई दे रही है। देखिए बिल्कुल गीली है सॉइल इसकी, बिल्कुल इसमें मॉइस्चर मौजूद है। तो इसमें अभी हम पानी नहीं डालेंगे, तो कल शाम को इसमें पानी डालूंगी मैं अभी। तो इस तरह से अपनी सॉइल को चेक करके ही आपने इसमें पानी देना है। बहुत ज्यादा पानी देंगे तो इसकी लीव्स जो है येलो येलो हो जाती हैं, येलो होकर गिरना शुरू हो जाती हैं। देखिए जैसे कि इस प्लांट में, देखिए ये जैसे येलो हो रही हैं लीव्स। अगर ज्यादा पानी हो जाएगा तो लीव्स जो है येलो हो जाएंगी और इस तरह से सूख कर ये गिर जाएंगी। देखिए जैसे इसमें ये गिरी हुई है लीव्स, सूखी सूखी लीव्स इसमें गिर जाती है ज्यादा पानी देने की वजह से। तो कई बार क्या होता है, हम जब सभी प्लांट्स को पाइप के साथ पानी देते हैं तो इनके ऊपर भी पाइप से पानी डाल देते हैं, तो बहुत ज्यादा पानी इनमें चला जाता है। तो इस तरह से आपने पानी नहीं देना है, इनकी सॉइल को चेक करके ही पानी देना है। और उसके बाद हम बात करेंगे इसके प्लेस की। तो आप इसको घर के अंदर भी रख सकते हैं और घर के बाहर फुल सनलाइट में चलने वाला वैसे प्लांट है। घर के अंदर आप रखना चाहते हैं तो 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए आप इसको घर में डेकोरेट करने के लिए अपने टेबल पे, अपने लिविंग रूम में या फिर अपने ड्राइंग रूम में, कहीं भी आप इसको प्लेस कर सकते हैं। और लेकिन उसके बाद 2 दिन के बाद आप इसको कम से कम फुल सनलाइट में 2 दिन के लिए रखेंगे तो ये प्लांट अच्छा ग्रो करता है। फुल सनलाइट का ये प्लांट है, फुल सनलाइट में अगर ये रखा रहेगा तो इस तरह से देखिए इसकी लीव्स रहेंगी और बहुत अच्छा ही ग्रो करता रहता है। इसकी घनी घनी पत्तियां निकल के आती हैं। अगर आप बिल्कुल शैमी शेड में या बिल्कुल छांव वाली जगह में इसको रख देंगे तो इसकी जो स्टेम्स हैं, इसकी पत्तियां हैं, वो दूर दूर निकल कर आती हैं। जैसे देखिए इसकी दूर दूर लीव्स हो जाती हैं, इस तरह से दूर दूर हो जाती हैं। अगर धूप में पड़ा रहेगा तो इस तरह से घनी घनी इसकी लीव्स आती हैं। तो इसी तरह से आप इसको प्लेस कर सकते हैं जहाँ पे फुल सनलाइट हो, या फिर कम से कम अगर फुल सनलाइट में आप नहीं रख सकते हैं तो सुबह की 2 घंटे की या फिर शाम की 2 घंटे की धूप इसको जरूर लगनी चाहिए। तो इस तरह से आप इसको प्लेस कीजिए। और उसके बाद बात करेंगे इसके फर्टिलाइजर की।
फर्टिलाइजर की बहुत ज्यादा इसको जरूरत नहीं होती है जब आप इसमें सॉइल मिक्सचर बनाते हैं और उस टाइम इसमें जो है कंपोस्ट डालते हैं या गोबर की खाद डालते हैं, तो उसी तरह से जब इसमें सॉइल मिक्सचर बनाने के बाद इसको लगाते हैं तो उसी फर्टिलाइजर से ये ग्रो होता रहता है। बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर की इसको जरूरत नहीं होती है बार बार। एक बार फरवरी में आपने फर्टिलाइज कर दिया तो उसके बाद पूरा साल आपको फर्टिलाइज करने की कोई जरूरत नहीं है। और ज्यादा ही है अगर आपको लगता है कि आपका प्लांट ग्रो नहीं कर रहा है तो आपकी जैसे कि स्टेम्स पे देखिए, जैसे मैंने ये कटिंग्स लगाई थी अभी इसकी कंडीशन ज्यादा अच्छी नहीं है, तो इसके ऊपर आप अभी क्या फर्टिलाइजर देंगे लास्ट में मैं आपको बताती हूँ कि हमने क्या फर्टिलाइजर इसमें डालना है। तो कहते हैं कि कोई बोनसाई बनाना है या कुछ बनाना है तो उससे जो है आप इसकी कटिंग करते रहें तो आगे ये इसकी लीव जो है नीचे से इसकी और ब्रांचेस निकलती रहती हैं और ये घना बनता रहता है ऊपर से। तो आप इसकी प्रोपेगेशन की बात करें तो इसकी प्रोपेगेशन बहुत इजी है। छोटी सी स्टेम देखिए, जैसे यहाँ से अगर आप स्टेम लेते हैं, इसकी इतनी सी स्टेम लेके आप सॉइल में इंसर्ट कर देंगे जैसे कि मैंने ये लगा रखी है। छोटी सी सॉइल देखिए, ये छोटे से गमले में मैंने सिर्फ एक डंडी लगा रखी है। ये देखिए एक छोटी सी इसकी स्टेम है जो मैंने कट करके इसमें लगा दी थी। अब इसमें जो है हल्की हल्की ग्रोथ भी स्टार्ट हो गई है। ये भी देखिए बहुत छोटी सी स्टेम मैंने इसमें लगाई हुई है। ये बिल्कुल छोटी सी स्टेम है, अगर आपको दिखाई दे रही होगी तो ये बहुत छोटी स्टेम है जो इस तरह से छोटी छोटी स्टेम इसके कट करके भी आप मिट्टी में ग्रो कर सकते हैं। जैसे ही आप इंसर्ट कर देंगे, हल्का सा पानी डाल के आप इसको छांव वाली जगह पे रख दीजिए तो इसकी जो है ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, इसकी जो है जड़ें निकलना स्टार्ट हो जाती है नीचे से। तो इसी तरह से आप इसको प्रोपेगेट कर सकते हैं। और आप इसको बात करें पॉट के साइज की, तो पॉट इसको आप छोटा से छोटा, बड़े से बड़ा किसी भी पॉट में आप लगा सकते हैं। देखिए जैसे कि मैंने ये छोटे से पॉट में लगा रखा है, ये देखिए कितना छोटा पॉट है, बिल्कुल ये हमारे एक गिलास से तो थोड़ा बड़ा ही है। एक छोटा सा पॉट है, चीनी मिट्टी का सेरामिक पॉट है, इसमें लगा रखे। देखिए इसमें एक प्लांट की ग्रोथ कितनी अच्छी चल रही है। तो छोटे से छोटे पॉट में भी आप इसको लगा सकते हैं और बड़े से बड़े पॉट में भी आप इसको ग्रो कर सकते हैं। जैसे देखिए ये भी एक छोटे से पॉट में मैंने लगाया हुआ है, इसकी ग्रोथ देखिए आप कितनी अच्छी चल रही है। बहुत छोटा सा पॉट है ये, कम से कम 2 इंच का या 3 इंच का ये पॉट होगा। इसमें मैंने इसको ग्रो कर दिया था, मेरे पास कटिंग थी तो देखिए कितना अच्छा चल रहा है। और फुल सनलाइट में मेरे ये सभी प्लांट्स रखे हुए हैं। और देखिए ये मैंने एक हैंगिंग बास्केट में ग्रो किया था, ये हैंगिंग बास्केट में भी आप इसको लगा सकते हैं। रेलिंग पे जब ये मैंने टांगा हुआ था, अब ये मेरा पॉट टूट गया है, इसको मैं अभी दूसरे पॉट में ट्रांसफर करूंगी। इसमें 2 प्लांट चल रहे हैं, देखिए 2 प्लांट इसमें लगे हुए हैं, तो इनको मैं डिवाइड करके अभी दूसरे प्लांट में लगाऊंगी और इसको दिखाऊंगी। इसको मैं बोनसाई बनाने की सोच रही हूँ, तो अभी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि कैसे आप इसको बोनसाई की लुक दे सकते हैं। और इसकी स्टेम्स को मोटा करने के लिए आप क्या कर सकते हैं वो भी मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगी। अब बात करते हैं इसके फर्टिलाइजर की। अगर आपने इसकी ग्रोथ को बढ़ाना है, आप चाहते हैं कि अच्छी अच्छी घनी घनी लीव्स इसकी निकल कर आए, तो आपने क्या करना है, देखिए 1 लीटर पानी लेना है आपने। 1 लीटर पानी ले लिया मैंने स्प्रे बॉटल, और इसमें जो है आपने 1 लीटर पानी में एनपीके 90-90-19 का ये 1 चम्मच, ये आपको देख रहा होगा पिंक चम्मच में पिंक की एनपीके आपको दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा है, तो ये 1 चम्मच के अकॉर्डिंग है ये इसमें डालना है। और ये बिल्कुल जो है सॉल्युबल होता है, घुलनशील होता है, बिल्कुल घुल जाता है इसमें पानी में। तो इस तरह से इसमें 1 लीटर पानी में 1 चम्मच एनपीके डाल के आपने पानी में इसको घोल लेना है अच्छे से, और पंप की हेल्प से पूरी लीव्स पे आपने स्प्रे करना है। इस तरह से आप स्टेम्स के ऊपर स्प्रे करेंगे, इस तरह से स्टेम्स के ऊपर स्प्रे करेंगे तो हमारे जो इसको जो है एनपीके से जो है नाइट्रोजन मिलता है और अच्छे से पत्तियां इसकी ग्रो करती हैं और नई नई लीव्स इस पे निकल कर आती हैं। तो ये फर्टिलाइजर था जो ग्रोथ के लिए मैं आपको बताना चाह रही थी। देखिए ये मैंने एक पिरामिड टोपियारी बनाने की कोशिश की है, तो ये अच्छे से ग्रो करेगा तो हमारे को बहुत अच्छी लुक इसकी निकल कर आएगी। तो इस तरह से आपने चारों तरफ से जो है इसकी लीव्स पे एनपीके का स्प्रे कर देना है, तो हमारी इसकी ग्रोथ अच्छी होगी। कटिंग्स जो आपने लगा रखी है उन कटिंग्स के ऊपर भी आप स्प्रे कर सकते हैं। छोटे छोटे प्लांटर्स में, छोटे छोटे गमलों में जो भी आपने लगा रखे हैं सबके ऊपर आप स्प्रे कर दीजिए, तो आपकी लीव्स जो है अच्छी अच्छी निकल कर आती हैं और इसकी ग्रोथ अच्छी होती है। जितने भी स्टेम्स आपको खाली खाली नजर आ रही हैं सब पे
आने वाले टाइम में अच्छी ग्रोथ हो जाएगी तो ये बहुत अच्छी लुक देगा। तो आप इसमें कटिंग्स को लेकर कुछ भी अपनी शेप देकर कोई भी टोपियारी आप बना सकते हैं और बॉन्साई लुक दे सकते हैं। तो ये देखिए, ये दो टोपियारीज मैंने आपके साथ जो शेयर की थी, एक जो है हार्ट शेप की टोपियारी है, इसको भी हम एनपीके का स्प्रे कर देंगे तो इसकी भी अच्छी ग्रोथ निकल कर आएगी और ये दोनों प्लांट जो है हमारे अच्छी लुक में आ जाएंगे आने वाले टाइम में। और एक टोपियारी मेरी ये है मोर शेप की टोपियारी, जो कि मैंने सबसे पहले आपके साथ शेयर की थी, बनाई थी। तो ये मेरे जेड प्लांट की कलेक्शन है और बंजाई और टोपियारीज हैं जो मैंने आपके साथ शेयर की है। तो इन टोपियारीज पे भी आप एनपीके का स्प्रे करेंगे तो ये भी अच्छी ग्रोथ निकल के आएगी, तो और अच्छा लुक क्रिएट करेगी। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि इस हैंगिंग प्लांटर से मैं जो है प्लांट्स को अलग अलग करूँगी, और ये प्लांटर जो है बिल्कुल टूट चुका है। इसको जो है हम इसमें से निकाल के दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये दो प्लांट्स इसमें लगे हुए हैं जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा। और इन प्लांट्स को हम निकाल के इसमें मैं जो है लगाने वाली हूँ इस ट्रे पॉट में, और इसमें जो है कोशिश करूँगी मैं इसको जो है थोड़ी इसके स्टेम को मोटा करने के लिए हम एक टेक्निक अपनाएंगे। अगर वो टेक्निक हमारी काम करेगी तो हमारी स्टेम जो है काफ़ी मोटी हो जाएगी। तो चलिए इस प्लांटर को से हम प्लांट को निकालते हैं। और देखिए सॉइल मिक्सचर क्या लिया है मैंने, इसमें जो लिए गार्डन सॉइल, एक हिस्सा गार्डन सॉइल है, एक हिस्सा सैंड है। देखिए बिल्कुल कंस्ट्रक्शन सैंड है ये, जो कंस्ट्रक्शन में यूज़ होती है ये रेड कलर की सॉइल। और थोड़ी सी मैंने काउडंग कंपोस्ट ली है, दो मुट्ठी के अकॉर्डिंग मैंने काउडंग कंपोस्ट ली है। तो ये सॉइल मैंने मिक्सचर मैंने तैयार की है। तो चलिए इसको मिक्स कर लेते हैं और अपने पॉट में डाल लेते हैं। जेड प्लांट को जो है बिल्कुल हल्की सॉइल चाहिए, इसलिए हमने इसमें सैंड जो है ज़्यादा मिक्स की है। इसमें आप एक फंगीसाइड पाउडर का एक चम्मच मिला लीजिए, क्योंकि मेरे पास अभी फंगीसाइड पाउडर नहीं है तो अभी मैं इसमें नहीं मिला रही हूँ। बाद में मैं जो है इसमें पानी में घोल के इसमें डाल दूँगी जब मैं लेकर आऊँगी। तो इस सैंड को हम थोड़ा सा इसमें डाल लेते हैं। अब अपने प्लांट को हम जो है इस गमले में से निकालते हैं। देखिए इसकी मिट्टी कितनी हल्की थी पॉट में, जो है कि बिल्कुल अलग हो गई है, इस इनकी रूट्स बिल्कुल बाहर आ गई हैं। तो इसकी रूट्स को मोटा करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए छोटा पत्थर का टुकड़ा ले लिया मैंने। इस पत्थर को जो है हम इसके बीच में रखेंगे सेंटर में, जहाँ पे भी आपने इस प्लांट को प्लेस करना है, और इसके ऊपर हम अपनी पूरी जड़ों को फैला लेंगे और नीचे मिट्टी में जड़ें टच हो हमारी इस तरह से हम रखेंगे, और इसके ऊपर जो है हम अपना सॉइल मिक्सचर डालेंगे। जो भी आपने नया सॉइल मिक्सचर इसमें बनाया है वो इसमें डालेंगे चारों तरफ। अभी जो है हम इसने प्लांट में ऊपर तक सॉइल भरेंगे, बिल्कुल आपने इसके प्लांट में सॉइल ऊपर तक भरनी है, स्टेम तक, जहाँ पे आपकी स्टेम है ये स्टेम तक आपने सॉइल भरनी है, ताकि हमारा जो प्लांट है ये इसकी स्टेम जो है नीचे सेट हो जाए, पूरी हिले नहीं, क्योंकि अभी इसके नीचे इसको सपोर्ट नहीं दिए मैंने, कोई वायरिंग नहीं की है। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपका प्लांट बहुत बड़ा है तो प्लांट के इसके पॉट के अंदर से वायर को निकाल के वायरिंग से इसको बांध सकते हैं अपने प्लांट की जड़ों को। इन जड़ों को बांध देंगे तो आपका प्लांट कहीं भी नहीं हिलेगा। तो आपने इस तरह से अभी हमने इसको सॉइल के साथ ही भर देना है, और भरने के बाद इसको सॉइल का ही सहारा देना है, ऊँचा ऊँचा आपने बीच में से सॉइल को भर देंगे, ताकि जो है आपका प्लांट हिले नहीं। और आने वाले टाइम में जब इसकी स्टेम थोड़ी मोटी हमें दिखने लगेगी और हमारे प्लांट की जड़ें जो है मिट्टी में सेट हो जाएंगी, तो उसके बाद आपने इसकी सॉइल को थोड़ा थोड़ा नीचे से ऐसे ऐसे साइड बीच में से हटा देना, साइड कर देना है, ताकि जो है इसकी स्टेम जड़ें जो है रूट्स जो है हमें फैली हुई नज़र आए ऊपर से, तो हमारा प्लांट जो है अच्छा ग्रो करेगा। अभी हम इसकी कोई कटिंग प्रूनिंग नहीं करेंगे, अभी प्लांट को हम सेट होने देंगे। जब प्लांट हमारा सेट हो जाएगा उसके बाद
जब हमें लगेगा भाई अब इसकी ग्रोथ अच्छी चल पड़ी है, उसके बाद ही हम इसकी कटिंग प्रूनिंग करके इसको शेप में लेकर आएंगे। तो देखिए ये हमारा प्लांट इस तरह से लग गया है। इसमें हम हल्की हल्की वाटरिंग कर देंगे। इसमें जो है प्लांट किस टाइम हिले नहीं, तो हम इसमें थोड़े से पत्थर रख देते हैं ताकि हमारा प्लांट का जो स्टेम है वो इधर उधर हिले नहीं। तो इसको सहारा देने के लिए हम जो है इसके आसपास एक दो पत्थर रख देते हैं। इस तरह से आप इसके ऊपर हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा पानी डाल देंगे, क्योंकि अभी हमने प्लांट को रीपॉट किया है, तो रीपॉट करने के बाद आपने पानी जरूर देना है प्लांट को, ताकि जो है इसकी मिट्टी गीली हो जाए और प्लांट की जड़ें जो है हमारे पानी में अंदर सेट हो जाएं। तो इस तरह से आपने इस प्लांट को लगाना है, और इसको आने वाले टाइम में हम बंजाई लुक देंगे। जो भी आपको शेप इसकी नज़र आएगी उस शेप को हम बनाने की कोशिश करेंगे। तो अभी हमने इसको सेट होने देना है। दूसरे प्लांट को जो मैं बड़े गमले में लगाऊंगी। तो ये देखिए दोनों प्लांट्स हमारे रीपॉट हो चुके हैं। एक को जो है हमने बोनसाई पॉट में ट्रांसफ़र किए। देखिए इसकी कितनी अच्छी लुक आ रही है, अभी से ही इतनी अच्छी लुक आ रही है। अभी हमने इसको बिल्कुल भी टच नहीं किए, कोई इसकी कटिंग प्रूनिंग नहीं की है, तो अभी से ये कितना अच्छा लग रहा है इसमें लगा हुआ। और इस टाइम से एक जगह टिकी रहे इसलिए मैंने इसको नीचे छोटे छोटे स्टोन्स का सहारा देकर इसको स्टैंड किया है। और इसको जो है मैंने थोड़े बड़े पॉट में लगाया, ये 8 इंच का पॉट है। इसको बड़े पॉट में लगाने का मेरा कारण ये है कि अगर हम छोटे प्लांट को थोड़े से बड़े पॉट में लगाते हैं तो उसकी भी स्टेम थोड़ी जो है काफ़ी मैच्योर हो जाती है आने वाले टाइम में। अच्छा उसको स्पेस मिलता है अपनी जड़ों को फैलाने का, तो उसकी स्टेम अच्छी मैच्योर होती है। तो इसी तरह से अपने जेड प्लांट को आप मोटा बनाने के लिए और उसको बंजाई लुक देने के लिए इस तरह के पॉट में आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं और अपने प्लांट्स को अच्छा लुक दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये मेरी आज की वीडियो, आपको पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।